आश एकदम तैयार। चार लाइन भूमिका के अंदर संकेत है। चला चला बाबू, ए नीचे हो जा, नीचे हुआ चला लो। हे बाबू, आप लोग के बीच में विधा बड़ा ही पुराने समय का बा, जब न समय अंग्रेज लोग बाबूजी अत्याचार करत रहन उस समय का बात बा। कहल गए बाबू, जो अपने वतन का सच्चा सिपाही होता है वह अपनी मातृभूमि के लिए सर कटा सकता है और काट भी सकता है। आवा मास्टर कव्वाली का टुकड़ा बा, दिल का हरकत बड़ा सुहरा के गावे लगे। कैसे कौन प्रेमी और प्रेमिका के बात बा, लेकिन देखा गया भैया हम जाना थे तो अकेले बारा तुम्हें दिक्कत हो तो कौन दिक्कत ना, जैसे हो सके चला ला। बाबू जी मातृभूमि के लिए संकेत है, इस देश के लिए नौजवानों के लिए संकेत है।
से 100 रुपए का पुरस्कार माता रानी आगे बढ़ावत रहे। कहना है अरे कैसन जवान जब गावत का पसीरा ना फेंकबा हो ठंडी में। यह बात से हमारे कहानी का शुरुआत हो गई। नाम गौरी बताओल गेल बा 13 साल का बचिया रहल बाबू। उ बच्ची के लेके अपने जीवन का यू को ज्यादा होगा। हेलो ठीक रहे ना हे बाबू अपने जीवन का परवरिश करत बारन माई बाबू का साया बचपनी में से उठ गल रहल बाबू। आज जो गोपाल अपने गौरी बहन के लेके पालन पोषण बारन और साथ ही साथ अखाड़ा में जाकर के रियाज बनवे बारे चहल जवानी रहल बाबू। रियाज करके
मेहनत कर करके किसी तरह से अपना भरण पोषण करता था, और अचानक एक दिन का बात बा, वही बीच में बाबूजी एक इंग्लैंड का पहलवान जिसका नाम रिफोर्ड बतलाया गया, और रिफोर्ड आके गुजरात में ऐलान कर दिला, अरे कोई है, अरे कोई है तो याद करके मुझसे हाथ मिला ले, वरना अपना हर स्वीकार कर ले। अरे बाबू इतना बतिया जब गोपाल जवान के लगा गई बा, अरे बाबू रोवा तो खड़ा हुई न जाई हो, आज जो गोपाल पहलवान के बर्दाश्त ना भेल कहत बड़न, अरे हमारे रहते हमारे देश का पानी चल जाई, बाबूजी आज जो गोपाल जाके हथवा मिला लेलन, तड़ 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 ताली की गुज बाबूजी उठी, जब ताली बजे लागल आज कुश्ती तीन दिन का गैस दे के रख गई, जब गए थे के रख गए वही बिचौड़े में मौका पाके रिफोर्ड का संघाती आ गई ले बाबू, और आके गोपाल यादव के घरवा में घुस गई लन, जब घरवा में घुस गई लन तो कैलन का चढ़रिया लगन, के गोपाल के घर में उस रिफोर्ड के संग हाथी घुस जाते करते क्या है, मौका पा करके उस रिफोर्ड के संघाते आके गोपाल के बाबू घरवा में घुस गईलन, घरवा में घुस के जाके बाबू रिफोर्ड के धमकावे लगलन, क्या रिफोर्ड, रिफोर्ड का संघाते जाके गोपाल के धमकावत बाड़न, जाके कहे आए गोपाल, आए गोपाल तू सुन ले, ये जो दंगल हो रहा है इस दंगल में तुमको हारना होगा, और हार के बदले तुमको 2,000 रुपया इनाम दिया जाएगा, और ना नहीं हारा तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। जय दाऊ हमारी 700-800 रुपया हो गई, फार दे बाजुआ कहा भाई फेर गाँव के फारा मत, हे बाबू जौने समय बाबूजी इतना बतिया घने बारी फोड़ कर संघतिया हो, ये बतिया एक कोनवा से वो गौरी बहिन सुनत रहनी, जब वो बहिनिया सुन ले बा के इतना भाग आए, हे बाबू धमका के चले गए अपने भैया से जाके वो गौरी कहे कि भैया, अरे भैया हई जान चल जाए भैया, लेकिन हई देश का पानी ना जाए के चाहिए, अरे तुहरे सर पर ही हमारे भारत देश का सम्मान बा, अरे है 2,000 रुपया, 2,000 रुपया बदे हमारे देश का पानी चल जाए, हाँ ये तो दारू पी जाना 2,000 में एक दिन में ना उत्तम जनते बड़ी बड़ा बदे बड़ा चखे ठाकर लगता, ए बाबू ओ बहिन अपना भैया के समझावतिया भाव बदल गई मास्टर सौरना ब बाबू
अर्जुन भाई की ओर से, अर्जुन निषाद भाई की ओर से एक सौ रुपये का पुरस्कार। माता रानी बनाए रखे और बड़ा ही सहयोग रहेला। हे बाबू, आज अपने बहन से बात के गोपाल भलवान जब सुन ले बारन, आई हे बाबू खरे रोम रोम भर उठले बाबू। हे बहन ऐसे तू कैसे घर बारी? अरे भला तो भाई 2000 रुपये खातिर का अपने वतन का पानी जाए दही रे पगली। कहत बा आज बाबू दंगल का दिन आ गई बा, दंगल होखे लागल। जब दंगल होखे लागल, दंगल में गोपाल पहलवान गईलन और जा करके बा पैसा लेला। ये देखे जंग बहादुर निषाद ए भाई की ओर से 100 रुपये का पुरस्कार। भाई की माता रानी आगे बढ़ाओ तो तरक्की मिले। कहना है अरे कला है दंगल में गोपाल, अरे कला है दंगल में गोपाल, तब ठोक आने अखाड़े पर अरे भीड़ा फोड़ से हिंद केसरी माँ का लाल अखाड़े पर। फारे का विचार है वो फाटी जाइए नहीं फारा मत, और नहीं तब दोबारा दूसरा ना मिली। हाँ नहीं
अरे मारा काला जंग, अरे मारा काला जंग वीर बजरंग बोले अखाड़े पर, अरे चित किया रिपोर्ट पे जय भारत बोले अखाड़े पर। हमें तो लगा ना लेकिन तो भाई लिखा पाल यार इस तरीको ना मनो हो अब भाई मुंह दे बा इतना मत करा है बाबू आज बा जैन तमाम बंगलवा में गोपाल पहलवान गईलन अरे रिपोर्ट से हथवा में लौलन हो पकड़ते हथवा बाबू मरलन इतना काला जंग जब काला जंग लगौले बाड़ा पसार गईल ससुर वही जन निहुर गईलन अरे कहे तो मतलब निहुर तो नाम को जमेला चीत हो गई ना चीत हो गई ना समझाल करा बतिया के खाली दरुआ पे आना ये देखे कर निशान 50 रुपया और अखिलेश निषाद रूप झंटू भाई की ओर से क्या हुआ ए बहुत अनमोल पुरस्कार है यही मैं अपने पूरे पार्टी की ओर से आप लोग को तहे दिल से यही मनोकामना करता हूँ माता रानी से कि आप लोग और तरक्की करें आगे बढ़ें। और बाबूजी बात के गौर करी है जौन समय गल बारह दंगलवा में पकड़ते हथवा काला जंग वीर बजरंग बली का नाम लेके लेलन हो ऐसा मरने सार वही से पलट के रह जब पलट गई लन कहलन का कहलन 8 विकेट लग गए बाबूजी तेरी का भाव आज होई तौलिया बिरतैया तोहरी देखर जंग में बाबूजी जवले समय पटकलन कालन है बेटा अरे निपुल के दूध पीने वाले अरे सर हई देखा हई दब्बा का दूध ना बा हई चौका लल चौका रोड हई देखा स्टील बाड़ी है तू हई डब्बा का दूध पी के फुलले से हो फुलला लवा हे बाबू अरे तेरी बहन और कहलन कि हम जेके चपली उनो बिघा नेहुर ले गए अरे तू ससुराल के यहाँ पिड़पिड़ पिड़पिड़ कहिले हुआ हमारे देश में अरे चाप बना हे बाबू आज जोने पर पटकलन तो वो जगह यहाँ पर गांधी बाबू बैठा ललन हो जाके अपने करीजा लगा ले लन लगल मास्टर यहाँ धुन बदल गई नारायण भैया की ओर से ये 100 रुपये का पुरस्कार शर्म नमस्कार पड़ा पहुंचे और फुलकी और समोसा आपका अच्छा साथ में सब्जी है ना आपका रोजगार चलत रहे मालिक तरक्की दे कहना है Thank you.
गांधी बाबूजी बैठल हलन जा करके गोपाल के अपने सीना से साठ के कहलन बेटा, अरे बेटा आज हमारे देश का पानी रख लेला कहे का बढ़ा तो नहीं गांधी जी गले से लगौलन और बाबू ताली से गड़गड़ाहट करके बाबू पब्लिक झूम उठल। जब झूम उठल बाबू आय है ये बाबू आज गोपाल के इतना रुपया मिल गई। हे बाबा बाबा तनी चुप रहा हो स्टोरिया पर ध्यान दा। देखा है करेजा नरम बा लेकिन जितना निकलत थकुन बाबू आज गोपाल का बाबू रुपया से झोली भर गई। आज रुपयावा के लेके गोपाल अपना घर की ओर आइल बा। आज रुपया ले जा के अपने बहनी के ले जा के सामने रख देलन। जब बहन रुपया के देखलस तब अपने भैया एक बात कहे कहानी मोल लेलस। वो बहन अपने भैया से यह कहत बा का कहे पुरानी बा लेकिन कावे के अंदाज अलग अलग होला। कहना है भैया लेकिन इस खुशी के मौके पर आपके हमें कुछ देवे के हुई भैया। वो बहन अपना भैया से कहे कि भैया हमरे खातिर एक थे हमार भौजी लियादा कब तक हम रह भैया की तुम्हें खियाई बनाई खियाई एक भौजाई हमरे खातिर लियादा भैया। वो पहलवान गोपाल यादव बाबूजी अपने मनवा में यह सोचे लगलन का सोचे गुण पहलवान तब गोपाल अपने मनवा में बहन का शादी करी कि अपन शादी करी। अगर बहन का शादी कर ले नहीं तब तो हमारे सर का बोझ हल्का हो जाए। अगर अपन शादी कर ले तो हमारे बहन कुंवारी रही। यह सोचत बारे में कहा सोचल
गोपाल पहलवान अपने बहनी का शादी लगा देलन कैलन का घर पर बाबूजी आज गोपाल पहलवान जा करके घर बर देख के बाबूजी लगन फागुन कर रख दिले बाड़न लगनिया रख देलन बाबू धीरे धीरे वो लगन का और शादी का दिन नियर आ गयल। आज गोपाल पहलवान गयल बाड़न अपने बहन के अलंकार लेवे खातिर बाबू आए हाय हाय। और अलंकार माने बाबूजी गहना होला स्वर्ण। आज अपने बहन के लेके बाबू चलन गैलन गहना लेवे खातिर और एक घटना घट गई बाबू। घटना घटल का बाबू और रिपोर्ट जो जिससे कुश्ती हुआ था बाबू वही रिपोर्ट के संघाती बाबू जिस बाजार में मिल जाते हैं गोपाल के पकड़ के परेशान कर लगलन। और गलन है गोपाल चल गोपाल तूने उस दिन उस दंगल में हम लोग के साथ छल कपट किया है और जो कहा गया तुम मेरी बात नहीं माना और तुम्हारा दंगल फिर से ले चल करके दोबारा फिर से होगा। अहे बाबूजी कलकत्ता जेल में ले जाकर के गोपाल पहलवान के बंद कर दिलन। यह हमारे बाबूजी कलकत्ता में ले जाके बंद कर दिलन। कहे लगलन कि दोबारा दंगल फिर से कलकत्ता में हुई। जब इतना बतिया गोपाल पहलवान सुन लन हो अरे बाबू अरे जवान तो जवान ही जिसको मरने जीने का कोई गम नहीं। जीना है तो मातृभूमि के लिए और मरना है तो इस मातृभूमि के लिए।
कहलन पहपट का भाव लगल चपली के उठ ना जात रहल यदा चापत सार ललकी फेंक देवा ललकी अच्छा ओके बड़ी सही बोला अरे मर्दवा खून फेंक हां तो के कोड में मत बोला के खोल के बोलना हे बाबू आज गोपाल पहलवान उस जंग उस दंगल के लिए बाबूजी ललकार रहा है शांग कजी बक बक बोला में चल जाले बाबू वही जलवा में ललकारो तो बाबू वही अंग्रेजी फोर्स के सामने बाबू कहे बचवा अरे उमरद है ना ये मत सोचा कि ससुर हई तू चार जाने बाड़ा तो हमारा कुछ कर ले बा कहे का कहे अरे करो भाई बात जब कलकत्ता में अरे बंगल के तू मारा हो अरे वतन का लपन लाज बचाई बे समझ हम तो दबारा हो अरे याद के ऊपर चाय भला ही चनावा चनावा तोड़ा तो हम अरे भले खून के रंगा ही तो फनवा फनवा तोड़ तो हम बाबू भले खून से रंग जाई कफनमा सनमा तोड़ब हम कहलन कि अगर जान चल जाई तब ससुर लोग फिर हम तो लोग के चापे कही कोशिश करब आज खेवले पीवले बिना जेल में गोपाल भलवान के बाबूजी तोड़े लगलन जब तोड़े लगलन बाबू आज यह बर बाबूजी घरमा का होतबा आज बहिनिया के बरात आ गइल बा दुआरे पर जब दुआरे पर बरात आइल किसी तरह से गांव वाले जाकर के इज्जत के संभालत बड़े प्रमाण लगल आल्हा क आज किसी तरह से गांव वाले इज्जत के संभालत बाड़न जाके देखत बाड़न बाबूजी बारात के किसी तरह से संभाल के रख ले।